हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम आए हैं फुटबॉल खेलने। और धुंध काफ़ी ज़्यादा है, अभी देख सकते हैं आप कितनी धुंध है। अभी हम फुटबॉल खेलेंगे थोड़ी देर और इनसे से मुलाकात कराएंगे आपकी। गैंगस्टर ये है बकरा, पिंकी सिंधे और मैं करण। तो ये अभी हमारा ग्राउंड तुम से भरा हुआ, लेकिन संडे है तो खेलना तो पड़ेगा ही। तो अभी हम खेलेंगे, गेम लगाएंगे, फिर चलेंगे घर पे। आज घर पे भी गेस्ट आने वाले हैं, तो वो भी सब आपको भी दिखाएंगे। अगर वो आए तो दिखाएंगे, नहीं आए तो कहाँ से दिखाएंगे। जैसे भी वाले भैया चल पड़े भाई, जैसे भी ले गए सब अपने अपने काम धंधे लग गए। आप भी लग जाओ और हम भी लग गए। बॉल में हवा भर ले बस, फिर करते हैं शुरू। तो ये बॉल में हवा भर चुकी है और मैं आपको ग्राउंड के बीच में जाके दिखाता हूँ कि चारों तरफ का कैसा व्यू आ रहा है। मस्त सा लग रहा है। अगर मतलब फोटो शूट वगैरह कराना होना तो बहुत बढ़िया सा मतलब लग रहा है सीन। कैमरे में सही से दिख नहीं रहा यार, क्योंकि हमने बस DSLR नहीं। हाँ, 11 को कब? 12 को 11 को है, 11 को लगा लियो रे। ओ भाई, 11 को लगाने लगे, 11 को लगा लियो। अभी 2-3 प्लेयर और आ जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं सोचा आपको दिखा दूँ। कमेंट करके बताना ये आपको ये साइड का जो व्यू है पेड़ पौधों का, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? मुझे लग रहा है नहीं दे रहा आपको। क्या करें, अब ऐसे तो दिख रहे हैं लेकिन शायद कैमरे में नहीं दिख पा रहा। थोड़ी देर में अगर थोड़ा साफ होता है तो फिर दिखाते हैं आपको। तब तक ये देख लो हमारी बॉल, और सामने का गोल ही नहीं दिख रहा अभी तो। सामने का गोल पास जाएंगे तभी दिखेगा। तो अभी हम करते हैं थोड़ी देर में गेम स्टार्ट, फिर चलते हैं घर पे खेल के। तो भाई अभी ना सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन दूध उड़ने का नाम नहीं ले रही। तो ये है हमारे यहाँ का सबसे मतलब हमारे घर के पास का स्कूल। कमेंट करके बताओ ये कौन सा स्कूल है। और अभी हम जा रहे हैं घर पे वापस खेल के। और धुंध देख लो अभी भी आप, उसे कम नहीं हुई, उसे ज़्यादा ही हो चुकी है धुंध। तो फटाफट घर पे चलते हैं और दूध नाश्ता वगैरह करते हैं, नहाते हैं, फिर जो आज गेस्ट आने वाले हैं उनको दिखाते हैं आपकी गेस्ट बनाते हैं। तब तक आप कमेंट करके बताओ कि वो पीछे कौन सा स्कूल था, जिसने सही कमेंट किया ना उसके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज। तो भी हमारा घर का गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो गैस सिलेंडर बनवाने आए हैं इंडियन। चलते हैं अंदर ऑफिस के अंदर। सिलेंडर तो ले आए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गेस्ट आने वाले हैं। तो नहा के फटाफट फिर दूसरे कपड़े पहनते हैं, और पहले मैं नहा के आता हूँ, फिर नहा के आपको कुछ दिखाना है वो भी दिखाता हूँ। वेट। तो अभी मैं नहा धो के जा रहा हूँ बस स्टैंड, क्योंकि विकास भाई आ रहे हैं, उसको लेके आने के लिए उसको लेके आते हैं। फिर मार्केट की तरफ चलेंगे, क्योंकि कोई काम है उसको आपको बताएंगे आगे जाके कि क्या काम है। तो अभी चलते हैं। तो हमारा विकास भाई आ चुका है, इसको लेके चलते हैं घर पे। खाना पीना करेंगे, चाय वगैरह पिलाएंगे, फिर चलेंगे मार्केट के। तो अभी हम जा रहे हैं, चाय नाश्ता हो गया उनका, लेकिन उससे पहले इसको कोचिंग क्लास छोड़ना है। इसको कोचिंग क्लास छोड़ के और फिर हम जाएंगे दोनों बाज़ार। सबसे पहले इसको छोड़ाते हैं, इसको छोड़ के आते हैं। तो अभी हमने उसको ड्रॉप कर दिया है, हो गया अपनी कोचिंग। वापिस घर पे जाके विकास
भाई को पिकअप करके फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। तू सुते रहे चुपचाप बोलना। स्लेटी चक ले तुमने आगे विकास जी का काम चेक कराने आए थे तो उनका एक्सरे और एक रिपोर्ट करवाइए डॉक्टर साहब से मिला लिए तो कैसा फील हो रहा है सर? कुछ फील नहीं हो रहा। तो भी रिपोर्ट आएगी फिर डॉक्टर साहब को दिखा के दवाई वगैरह लेके फिर चलते हैं घर पे। तो अभी इनका चेकअप करा के ले आए हैं। ये हमारे ताऊ है मनीष ताऊ जी और इनकी आ रही है दुकान है और ये लड़का भाई इन्होंने पूछे ये हमारा ये हमारे राजू भैया। कैसे हो राजू भैया? तो अभी हम सोचते हैं कि रस्ते मिलते मिलते चलते हैं मनीष ताऊ जी से। अरे यार मैं इन्हें देखे को इन्हें सही लगे सही लगे ये हमारे मनीष ताऊ है। ज्यादा बुढ़ा कौन है जवानी भैया 26 साल का हो गए? अरे तेरे तो छोटा लगू मैं 26 साल का हो गए? हां 26 का कटा हूं 25 को ही हूं 25 हो गया 26 को होना रहा है। तो अभी जाते हैं मिक्स हम घर पे और फिर गुलशन को लेके आना है उसको लेने चलेंगे। तो अभी मैं लेट हो चुका था तो गुलशन को लेने आए थे तो गुलशन कहता कि स्कूटी मैं चलाता हूँ तो बना दे रहे भाई। तो गुलशन कहता स्कूटी मैं चलाता हूँ तो ये स्कूटी चला रहा है देखो कम ही चलानी आती है इशारे को भी सीख रहा है थोड़ी वैसे तो चलानी आ गई तो देखो इसकी ड्राइविंग। अभी मैं कैमरे को जेब में डाल रहा हूँ क्या अब तक कब किधर गिरना पड़ जाए। तो फिर चलते हैं फटाफट घर पे और फिर घर पे जाके मिलते हैं घर पे जाके मतलब विकास को घर पे ड्रॉप करके आया हूँ। अभी मैं विकास को घर पे ड्रॉप करके आया हूँ और आते आते इसको लेने आ गया तो अभी चलते हैं घर पे। ये चला रहा है स्कूटी देखते हैं इसकी आज ड्राइविंग कैसी रहती है क्या एक्सपीरियंस रहता है इसकी ड्राइविंग का। फिर घर पे जाके विकास के साथ थोड़ी गपशप मारेंगे फिर शाम को देखते हैं खेलने चलते हैं आज। और जो गेस्ट आने वाले थे वो गेस्ट नहीं आए क्योंकि उनको पापा जी के साथ कहीं जाना था तो वो डायरेक्ट रास्ते में मिल गए थे तो रास्ते में से जा रहे हैं वापस आते वक्त अब पता नहीं घर पे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। उधर एक बच्चे को स्कूटी सिखा रहे थे वो गिरते गिरते बच गए तो अभी घर पे चलते हैं सबसे पहले बटा। तो विकास जी वापस चले गए हैं उनको बस पे चढ़ा दिया और अभी हम वापस घर पे जाके 3:30 हो चुके हैं तो खेलने तो शायद नहीं जाएंगे हम क्योंकि सुबह से लेके अभी तक हमने रेस्ट भी नहीं किया। तो अभी तो जाके मैं थोड़ी देर सोऊंगा फिर इतने में पापा जी और आ जाएंगे शाम को फिर उनके साथ देखते हैं कोई आता है तो वरना फिर देखते हैं आज शाम को खेत की तरफ चलेंगे या फिर देखते हैं क्या करते हैं। अभी फिलहाल तो अभी जाके मैं सोऊंगा घर पे जाते हैं फटाफट और फिर सोते हैं। हेलो दोस्तों तो आज मैं उठने में काफ़ी लेट हो गया था अभी उठा हूँ थोड़े 10-15 मिनट पहले और अब तो कहीं जाने के लायक नहीं है। फूफा जी और आए हुए हैं उधर बैठे हैं चाचा जी मेरे घर पे तो अभी तो उनको मतलब उनके पास जाके बैठ जाऊँगा खाना खुना खिलाएंगे उनको फिर देखते हैं रात को क्या करते हैं
तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना कैसा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज़ पे चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना।